अच्छा कस्टमर हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास फिर आता है, यानी देखिए समटाइम्स हम क्रिएट इनवॉइस करते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो है अजब गुल साहब है, अजब गुल साहब का एस्टीमेट भी पड़ा हुआ है, अच्छा है इसको हम भेज देते हैं ये माल, ठीक है। अच्छा अब देखिए अजब गुल के साथ हमारी डील USD में, ठीक है, तो यहाँ पे आज का रेट हम लिख देते हैं 91.88, ठीक है, यानी ये आज के डेट में सेल हो रही है, तो इसका ये आ गया। तो यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कॉलम्स हमें शो हो जाए, तो देखें इसका एग्जम्प्टेड टैक्स, ठीक है, तो टोटल इसका बना है 765.83 USD, जो कि पाकिस्तानी 70,364.46 रुपये बनते हैं। इसको हमने क्या बेचा है, नोकिया E63 क्वांटिटी कितनी है 5, ये हमने इसको सेल आउट कर दिया। अब हमें आ गई सेल रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं आके इन्वेंट्री वर्कशीट ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि स्टॉक स्टेटस हमें बताती है लमसम। अब देखें नोकिया हमारे पास कितने 24 आइटम रह गए, ठीक है, ये हमारे पास 24 आइटम है, ठीक हो गया, प्राइस वगैरह सेट है। अब आ गया हमारे पास रिटर्न, तो हम आ जाएंगे क्रिएट क्रेडिट मेमो पे, ठीक है। क्रिएट क्रेडिट मेमो हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर कौन था, अजब गुल था। अच्छा यहाँ पे हम ले लेते हैं अजब गुल, इसको हम, इसने हमें रिटर्न किया है नोकिया सेट, 5 सेल आउट किए थे, उसमें से 2 ये ले आए, कहते हैं ये नहीं चाहिए या ख़राब है या व्हाटसो जो भी है, ठीक है, तो वो हम रिटर्न कर रहे हैं। वही रेट देखें यहाँ पे लगा हुआ है, अगर चेंज किया हो तो फिर उसी रेट पे आपने रिटर्न लेना है, ठीक है, सेव एंड क्लोज। तो देखें अब यहाँ पे सेव करते ही देखें नोकिया E6326 हो गए, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब देखें रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट का मतलब क्या है, यानी आम वो कहते हैं चलो ये पैसे रहने दो, नेक्स्ट टाइम मैं सेल करूँगा उसमें सिर्फ काट लेना, तो हम कहते हैं ठीक है रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट में डाल लेते हैं, या गिव रिफंड अगर आपने पेमेंट ली हुई है तो वो कहते हैं बस पैसे दे दो, पैसे दे दो, बात ख़त्म, या अप्लाई टू एन इनवॉइस, अभी तक उसने पेमेंट ही नहीं की, क्रेडिट पे ले गया हुआ तो उसी में से एडजस्ट करना है, तो हम कहते हैं अप्लाई टू एन इनवॉइस, ओके, तो वो साथ इनवॉइस लाएगा, तो उस पर इनवॉइस नंबर क्या था, 1 था, क्योंकि USD है ना, सेलेक्ट किया डन कर दिया। अब देखें कस्टमर में आ जाएं, अजब गुल को सेलेक्ट करें, तो देखें इनवॉइस कटी थी इस पर 763 डॉलर, तो इसका बैलेंस भी 765 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उसमें से 326 रुपये डॉलर माइनस हो गए उसी पे, क्यों, क्रेडिट मेमो कटा है, ठीक हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे आके चेक कर ले, देखे आइटम्स आपके पास वापस आ गए। अब इसकी आप फिर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर सकते हो, डैमेज गुड्स हो, तो यहाँ पे आके इसको इन्वेंट्री में एडजस्ट कर दो, तो 2 डैमेज हो गए, लॉस हो गए, ठीक है, नहीं तो आप रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आके अकाउंटेंट में एक्सचेंज रेट ऑन कर लें। अब देखें यहाँ पे आ जाएं नीचे अकाउंट रिसीवेबल USD है, तो देखें 70,364 रुपये डेबिट हुए थे, फिर 30,000 क्रेडिट हो गए, 30,000 आपके बनते हैं 326.52 डॉलर, रेट 91.88, तो आपका सारा निज़ाम। अब नीचे आ जाए इन्वेंट्री एसेट, तो देखें अजब गुल को सेल आउट हुए थे, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी 65,183 रुपये, उसमें वापस रिटर्न आया 26,073 का ये, और उसमें क्यों डिफरेंस है, वो तो सेल प्राइस है, तो कास्ट वापस आ गई, कास्ट गई है, कास्ट वापस आ गई है, ठीक है, और क्या हुआ है क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो मीन्स कि रिटर्न आया। इसी तरह अगर आपकी परचेज रिटर्न होती है, यानी लेट सपोज मैं परचेज कर रहा हूँ
यहाँ पे साथ ही बताता चलूँ, ठीक है। परचेज करते हैं हम अहमद से, मैंने परचेज कर लिया नोकिया सेट 12 दाने और लैपटॉप 12 आइटम्स। यहाँ पे आके बिल नंबर दे दिया हमने और सेवन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखें आपकी इन्वेंट्री डेबिट हो गई है। आपके पास नोकिया E63 1,54,200 और 10,24,800 के लैपटॉप आ गए। अहमद वेंडर है, ठीक है। अहमद का देखें यहाँ पे बैलेंस भी सेम आपको शो कर रहा होगा, 23,14,900। अब हम इसको रिटर्न लेते हैं, करते हैं, तो फिर भी रिसीव आइटम इंटर बिल में जाके क्रेडिट का टेब ऑन कर देना है। क्रेडिट मीन्स कि हम इसको रिटर्न कर रहे हैं या इसका कोई क्रेडिट हम इसके अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी आप रिटर्न कर रहे हैं। तो नोकिया सेट 12 हमने खरीदे थे तो 3 रिटर्न कर रहे हैं। लैपटॉप हमने 12 खरीदे थे, 2 हमें नहीं चाहिए या बस जो भी है वापस कर रहे हैं। तो टोटल कास्ट इसकी बन गई है 38,550 और 1,70,000 इसका टोटल बन रहा है, ठीक है। टोटल 2,09,350 रुपये। इसको सेव एंड क्लोज कर दें तो देखें उसका बैलेंस कम हो गया। यहाँ पे आ जाएं, देखें आपकी इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो गई है। यहाँ पे देख लें लैपटॉप जो है 1,70,000 और नोकिया जो है इतने अमाउंट से क्रेडिट हो गई है, ठीक है। इसके साथ ही जो डिस्काउंट था वो भी उसने, यानी वहाँ पे उसकी डिस्काउंट की एंट्री पास करता है ना, तो ये जो छोटा अमाउंट आ रहा है ये वो डिस्काउंट का था। बात समझ में आ गई। इसी तरह इधर आ जाएं, ये देखें परचेज डिस्काउंट था कि कौन सा था, नहीं परचेज रिटर्न थी ना, डिस्काउंट रिसीव है ना। यहाँ पे इसका लेजर चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखें सेम अमाउंट यहाँ पे वो था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास परचेज रिटर्न कहलाता है। तो आप परचेज रिटर्न फिर यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको कस्टमर कहते हैं कि मुझे स्टेटमेंट बना दो, स्टेटमेंट जिस तरह हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे किस डेट की स्टेटमेंट बना रहे हैं, किस डेट से किस डेट तक अकाउंट रिसीवेबल आप USD के लिए बना रहे हैं, हवानी या होम करेंसी के लिए बना रहे हैं, तमाम कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। अब हम कहते हैं कि शो इनवॉइस आइटम डिटेल ऑन द स्टेटमेंट, प्रिंट बाय बिलिंग एड्रेस, प्रिंट ड्यू डेट ऑन इनवॉइस, डू नॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब ज़ीरो बैलेंस वाले के लिए मत क्रिएट करो, या इस अमाउंट से ज़्यादा बैलेंस वाले के लिए मत क्रिएट करो, या जिसके साथ हमारी ट्रांजेक्शन नहीं है उस मत क्रिएट करो, या फॉर इनएक्टिव कस्टमर्स, इनएक्टिव कस्टमर्स के लिए मत क्रिएट करो। ये डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, रिव्यू में चेक करते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास इनवॉइस स्टेटमेंट आ गई, उसका बैलेंस फॉरवर्ड 0 था, फिर इनवॉइस कटी इस डेट को, ओपनिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस उसमें देखिए लैपटॉप, ठीक है, इतनी प्राइस पे PKR टोटल इतना बनता था, नोकिया इतनी क्वांटिटी में PKR इतनी प्राइस पे टोटल इतना बनता था। तो हर इनवॉइस हर पेमेंट, अब देखिए पेमेंट हुई है बाय चेक, डिस्काउंट भी अलाउड हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक किस्म की स्टेटमेंट है। नीचे देखिए ज़ीरो बैलेंस है, चूँकि मैंने ज़ीरो बैलेंस अनचेक किया था। अगर आप कहते हो कि नहीं विद नो ज़ीरो बैलेंस, तो यहाँ पे आपको फिर ये बताएगा ही नहीं, क्योंकि तमाम कस्टमर्स का बैलेंस ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप स्टेटमेंट क्रिएट कर लो तो फिर स्टेटमेंट चार्जेस ऐड करोगे, तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम फ्री में नहीं देंगे। तो हम यहाँ से आके स्टेटमेंट चार्जेस ऐड करते हैं। स्टेटमेंट चार्जेस ऐड करने का क्या तरीका है कि जिस कस्टमर के लिए आप स्टेटमेंट बना रहे हो वो कस्टमर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आके आप एंट्री नंबर एंटर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, किधर गया, ये क्या हो गया,
एंड तो पुरानी ट्रांजेक्शन है न्यू ट्रांजेक्शन है, 19 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये क्यों शो ओपनिंग बैलेंस, अच्छा ये मल्टी करेंसी है ना, तो यूएसडी में तो हमने अकाउंट नहीं बनाया, हमारा पीकेआर वाला किधर है ये, ठीक है। अच्छा इसका थोड़ा मेथड जुदा है, उधर से हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम आगे लेक्चर में करते हैं।